हम किसानों से यही कहेंगे कि जैसा हमारा काफ़ी एरिया डार्क जोन में जा चुका है, सभी किसान भाई वो ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंगलर अपनाएं और अपने खेतों में पानी बचाओ। एक जो हमारा यह अभियान है, हमें आने वाले समय के लिए पानी बचाना होगा और हमें अपने खेतों की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से ही करनी होगी। ड्रिप इरिगेशन से पानी की तो बचत होती है, समय की भी बचत होती है और एक हमारी जो फसल है वो तकरीबन 40% अधिक आती है। और मैं सभी किसान भाइयों से एक विनती ज़रूर करना चाहूँगा, वो अपने खेतों में 16 mm की PC ड्रिप लगवाए। PC ड्रिप में क्या होता है कि पौधे को प्रॉपर पानी मिलता है और प्रॉपर खाद मिलता है, उसमें किसी तरह का वेरिगेशन नहीं आता। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में 99% सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। ये जो इसकी वर्किंग है, हमने जैसा आपको दिखा था स्टार्टिंग में, वहाँ पर हेड यूनिट लगी हुई है। ड्रिप इरिगेशन के लिए जो हेड यूनिट होती है, जो अपना पानी होता है उसको साफ करके वो हमारे पौधों तक पहुँचा देती है। वो पौधों में पहुँचाने के लिए इसके क्या होता है कि इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि जो वहाँ से पानी आया, पानी आने के बाद में वो इन ड्रिप इरिगेशन में चले जाता है। इसमें हमें कोई भी सैंड होती है वो पीछे रुक जाती है और इसमें एक स्वच्छ पानी यहाँ तक पहुँचता है पौधे की रिक्वायरमेंट अनुसार। अगर हमें वहाँ से उसमें मशीन के थ्रू अगर खाद भी देना होता है हाइड्रोसाइक्लोन के फिल्टर के थ्रू हेड यूनिट से, तो वहां से ही हम अपने पौधे को रिक्वायरमेंट अनुसार वो फर्टिलाइजर यानी के खाद भी दे देते हैं। उसके बाद ये बेड बनने के बाद में हम वहां पर जैसे मल्चिंग है, हम क्या करेंगे इन बेड को करने के बाद में हम यहाँ पर इस पे मल्चिंग डाल देते हैं ताकि उससे खरपतवार ना उगे और यानी कि हमारे बेड बरसात में खराब ना हुई। उसके बाद में हम पौधे पे भी सोइंग कर देते हैं। अभी हमने ये खुले पे सोइंग की है उसकी गोभी की और ये ड्रिप डाली हुई है। यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50-70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। ये जो ड्रिप है 12 PH की लगी हुई है, यानी कि एक घंटे में एक ड्रिपर 2 लीटर पानी देता है। अगर हमने एक दिन के लिए पौधे को पानी चाहिए तो सिर्फ एक घंटा हमें अपने ट्वेल चलानी होगी और हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। पौधे को दिन में मिनिमम से मिनिमम कुल 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और वो भी हम 2-3 दिन बाद हमें पौधे को पानी देना होता है। हमारा खुला फल्ड इरीगेशन नहीं होता, ना पानी की वेस्टिंग होती है इसमें। ये हमने अभी गोभी की फसल लगाई हुई है, अभी आपने देखा होगा गोभी की जो पौध तैयार करवाई हुई थी, ये पौध तैयार करवा के हमने ये पौध करवा दी है कि इससे क्या होगा कि जैसे क्या होता है कि हम उस टाइम पे फसल की बिजाई कर देते हैं जिस टाइम पे सभी लोग बिजाई कर देती है, लेकिन ये है कि जितनी जल्दी हम फसल की बिजाई करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अगर हम गेहूँ जीरी को धान को छोड़कर अगर हम सब्जी की तरफ अगर अदर फ्लावर्स की तरफ जाए तो हमें इसमें काफ़ी मात्रा में बचत होती है। किसानों को 90% और 85% ड्रिप इरिगेशन के ऊपर अनुदान राशि दे रही है, मल्चिंग के ऊपर अपना 40% सब्सिडी है और जो हम बम्बू स्टेकिंग के ऊपर जो बेले चढ़ाते हैं बम्बू स्टेकिंग के ऊपर बांस के, तो उनके ऊपर अब 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। तो इसके ऊपर काफ़ी है, काफ़ी जगह पर 85% है, अदर स्टेट में इसके ऊपर 90% 75% की भी सब्सिडी दी जाती है। हम जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़ के हम विकसित खेती की तरफ आए जिससे कि हमें मुनाफा भी होए और हम पानी की बचत कर सके, अपने समय की बचत कर सके और हमारी काफ़ी हमें दो अपने जो पैसे का प्रॉफिट है वो भी हो सके। तो इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप ड्रिप के ऊपर स्प्रिंगलर के ऊपर खेती कीजिए और आप उसमें अधिक बेनिफिट कमाइए।